Assalamualaikum, welcome to my channel नूरी सबाज किचन। और आज हमारे किचन में बन रहा है कोरमा, चिकन कोरमा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो चिकन ली है मैंने, ये मिक्स चिकन है। और इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम लेंगे घी, तकरीबन हाफ कप घी लिया है। आपको जो यानी कि सही लगता है वो लीजिएगा, घी या ऑयल। इसके बाद मैंने दही लिया है और स्पाइसेस लिए हैं। पिसी हुई मिर्ची ली है 2.5 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच, नमक ली है 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चम्मच, गरम मसाला लिया 1/2 टीस्पून और साबुत गरम मसाला लिया है। साबुत गरम मसाले में सिर्फ फूलबादियाँ नहीं लिया है, बाकी सारा गरम मसाला लिया है। सबसे पहले हमने घी लिया है और उसके बाद उसमें प्याज ब्राउन करके निकाल दी है। प्याज तकरीबन हमने 3 लिए दरमियानी, उसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम प्याज लेंगे और दही में इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। दही के साथ इसको मिक्स करके पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद हम इसको एक साइड में रख लेंगे। अब हम स्पाइसेस ले लेंगे। तो ये जो हमने घी लिया था प्याज ब्राउन करने के लिए, वही घी लेंगे हम, चिकन उसके अंदर डालेंगे और उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। और जो इसको गोल्डन यानी कि हम इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने स्पाइसेस डाल दिए थे। स्पाइसेस डालने के बाद उसको थोड़ा सा भुना। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज और दही का, इसको हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने भून लिया है। अब इसके अंदर हम जितना पानी रखना चाहते हैं उतना पानी रख के इसको हल्का सा यानी कि हम गलाएंगे। चिकन तो पहले ही गल जाती है, तो बस ये हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 2 पिंच जो है या 1 पिंच हम जायफल जावित्री डालेंगे पिसी हुई। ये हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार हमारा कोरमा बना है। आप लोग घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यानी कि आप आसानी से बना सकते हैं इसको। घर में कोई भी बाहर के मसाले नहीं है, सब घर के मसाले से बनाया गया है। मेरे चैनल नूरी सबाज किचन को सब्सक्राइब करने और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ।